देखिए ये जो अभी जो होलोंगी में है हम लोग आपसु टीम, और क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी चर्चित एयरपोर्ट है और काफ़ी चर्चा में है स्टेट में, और हम लोगों के लिए भी एक ये हमारा स्टेट के लिए हमारा जो राज्य है इसके लिए एक ये है प्राइड है। एंड आई थिंक हमारा देश में अपार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ओनली और एक स्टेट है सिक्किम जहाँ पे अभी तक जो एविएशन मैप में नहीं है। सो हम लोगों ने भी सोचा कि सिंस इतना हम लोग मीडिया में देख रहे हैं कि द एयरपोर्ट विल बी फिनिश्ड ऑफ इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये आने वाला जो अगस्त महीना में इसका ख़त्म होगा समाप्ति होगा और हम लोग एविएशन मैप से जुड़ जाएगा, तो हम लोग ने सोचा हम लोग भी आए देखे यहाँ प्रोग्रेस कैसा है और यहाँ का जो ऑफिशियल से उनसे इंटरेक्ट करें, और हम लोग का वही है। और क्योंकि जो ये एयरपोर्ट था हम लोग जब अभी हम लोग ने जब अपना अपसू का जब हम लोग हिस्ट्री हम लोग ने वापस मोड़ के देखा तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तकाम संजय उसका रिजिम में अपसू का जब वो लीडरशिप जब वो पदभार संभाल रहा था एयरपोर्ट इन द स्टेट वॉज वन ऑफ द डिमांड इन द 10 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द अपसू लीडरशिप एट दैट टाइम। तो इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम बट फाइनली आज कल्मिनेशन हो रहा है और हम लोग भी अरुणाचल प्रदेश भी एविएशन में जोड़ रहा है, तो खुशी का बात है। वी आर हियर टू सी आगे बोला हूँ टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क हियर एंड वी आर रियली डिलाइटेड वी हैव इंटरेक्टेड विद द ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो अभी द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग यहाँ है, उन लोग से भी हम लोग ने मुलाकात किया और हम लोग ने उन लोग से भी आग्रह किया कि देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड टाइम बोन में होना है और जल्द से जल्द ये एयरपोर्ट बनना है सो देट हम लोगों का हम लोगों भी और अरुणाचल का लोग भी यहाँ अपना प्रदेश से अपना जगह से दिल्ली या गुवाहाटी या कहीं बाहर जा सके एयरपोर्ट एयर में माध्यम से। नहीं इसमें देखिए ये तो काफ़ी टेक्निकल ये है वो एक टेक्निकल विषय है किस प्रकार से होगा, फिर भी जो हम लोग अभी देखा है जो रनवेज है ऑलमोस्ट कहा जाए तो 80% इस कंप्लीट है जो रनवे का ये है और अनदर जस्ट 600 मीटर समथिंग रह गया है। एंड देन यहाँ जहाँ हम लोग ने जैसे देखा है मशीनरीज एंड एवरीथिंग मेन पावर तो काफ़ी है, तो लेट्स आज भी होपफुल कि ये अगस्त में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसका समाप्ति हो, और हम लोग ने या जो कंपनीज़ का जो ऑफिशियल्स है उन लोग से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द होना है, और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ये है मानसून का भी प्रभाव रहता है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द काम होना है, और होना नहीं होना तो देखिए उसके ऊपर में बट एज एन कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन हम लोग हमेशा वी आर देयर, हम लोग नज हमेशा देगा पिंच हमेशा देगा अगर प्रॉमिस का मुताबिक काम नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट है जो ईटानगर में, ये एक्चुअली इट हैड बीन डिमांड ऑफ आपसू, ये हमारा संजय साहब और ये डोमिन लोया का समय में था, तो ये 1994 में था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन लोग ने समिट किया था वो भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो उसी द्वारा आज ये 33 साल होने का बाद ये आपसू का डिमांड जो फुलफिल होने जा रहा है। देन हम लोग बहुत खुश है, पूरा टीम आपसू बहुत खुश है, तो उसका कारण से हम लोग यहाँ उसका प्रोग्रेस को देखने आया है वाकई में ये क्वालिटी वे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं, तो इसलिए यहाँ आने का बाद में हम लोग को खुशी हुआ जब इंटरेक्शन करने का बाद जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है थोड़ा ही कुछ बचा है जैसे 600+ समथिंग मीटर ही बचा है, तो आप मान लीजिए है आधा किलो जैसे ही तरफ बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 80% तो हो गया काम जो 75%। और यहाँ में सिर्फ हम लोग आज यहाँ नहीं आया है रनवे को सिर्फ देखने नहीं आया है बल्कि जो टर्मिनल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अभी स्टार्ट हो गया है और उसको भी हम लोग अभी मुलाकात करेंगे, इंट्रेक्शन अभी तो हुआ नहीं है। और ये अच्छा बात ये है कि यहाँ में अथॉरिटी माने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो सिविल एविएशन का, तो उन लोग का GM को भी अभी इंट्रेक किया है, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि ये अगस्त 2022 तक ख़त्म हो जाएगा, ये साल का 20 अगस्त तक हो जाएगा,
तो हम उम्मीद करता है ये काम जो अच्छा से होगा एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ये हमारा आपसू का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एंड देन वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन स्टेट गवर्नमेंट फॉर ये प्रोग्रेसिव वर्क के लिए। थैंक यू।